गाइस तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और कमाल के दिन में। और आज भाई मैं उठते ही कुछ ऐसा देखा ना कि आपकी आंखें भी भाई खुली की खुली रह जाएंगी। रुको गाइस, ये देखो एक मिनट भाई, आज यार सुबह सुबह अपने घर में इतना ज़्यादा पैसा पता नहीं कहाँ से आया है। मतलब ये सब देखो, पूरा बालकनी अपना पैसों से भरा हुआ है, यहाँ हर तरफ हर कोने में भाई पैसे ही पैसे रखे हुए हैं। अब यार ये सब पैसे कहाँ से आए मुझे बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं है। यहाँ देखो भाई बड़े बड़े यार ढेर रखे हुए हैं पैसों के। भाई इन सब पैसों का मैं करूं क्या यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हम लोग जाके कहीं कंप्लेन करें, क्योंकि गाइस ये सब पैसे मेरे तो हैं नहीं और यहाँ पे किसने फैलाए इसका भी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। पर एक मिनट यार, ये डोरबेल कैसा बज रहा है भाई? शायद यार कोई गेट पे आया हुआ है, चलो जरा चल के चेक करें यार। लेकिन ये सब पैसे वो देख लेगा यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। रुको गाइस यहाँ चलते हैं। एंड यहाँ पे तो माइकल आया हुआ है। गाइस सबसे पहले ना उसे अभी वेट करने देते हैं, यहाँ एक दीवार लगाते हैं भाई, कुछ दीवार या दरवाजा लगाते हैं। यार ये वाला दरवाजा तो ऐसे ही लॉक रहता है यार, ये बंद भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ लगाना होगा ताकि वो इधर ना आ पाए। चलो गाइस तो यहाँ पे एक दरवाजा हमने अंदर अपने घर से ले आके यहाँ लगा दिया है। अब हम लोग ना इधर से निकल सकते हैं क्योंकि भाई वो लॉक पड़ा हुआ है। चलो अब चल के मिलते हैं माइकल से। भाई अब कम से कम वो पैसे तो ये नहीं देखेगा। हाँ माइकल, क्या हालचाल है भाई, कैसे हो? भाई ये तो यार कोई पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया है। चलो भाई हम लोग पार्टी में चले जाएंगे, शायद गाय जिसने कोई नई कार खरीदी है उसी का पार्टी दे रहा है। कोई बात नहीं यार, मैं आ जाऊंगा, तुम अब चले जाओ। चलो गाइस वो चुपचाप यहाँ से जा चुका है और अब हम लोग चलते हैं जरा अंदर। गाइस यार ये सब पैसे अब किसी भी तरह ना सबसे पहले तो हमें यार साइड करने होंगे यार, कहाँ खर्च करें यार। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्यों ना यार नए घर ले लें, अपने नई गाड़ियाँ ले लें, नए प्लेन्स ले लें, तब यार मजा आएगा। हाँ गाइस कुछ ऐसा ही करते हैं, मतलब इन पैसों को ना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो एक डब्बा लाते हैं, उस डब्बे में यहाँ पे कुछ जो पैसे सामने दिख रहे हैं उनको उठाते हैं सबसे पहले और इकट्ठा करके डब्बे में ले करके हम लोग चलते हैं अभी सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा घर लेने के लिए। चलो गाइस यहाँ पे जितने पैसे थे ना, यहाँ जितने थे और यहाँ पे जितने थे, मतलब ये दोनों जगह के पैसे हमने इस डब्बे में पूरे बंद कर दिए हैं यार डाल के। भाई पूरे 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए हैं यार इसमें। तो चलो गाइस हमने इन पैसों को जल्दी से लेके चलते हैं और भाई एक बहुत बड़ा सा घर खरीदते हैं सबसे पहले। यार आज तो हमारी गजब की लॉटरी लग गई है और इस कबारा कार को भी अब हम लोग फेंकेंगे। अब लेंगे गाइस हम लोग एक बहुत मस्त सी सुपर कार। सबसे पहले तो उन पैसों को हम लोग लेके आए, बैठ क्यों गए यार, पैसों को लेके आते हैं उसे इस पे रखते हैं और यहाँ पे ये जो डोर है ना इसे हम लोग लॉक कर देंगे। ये वाला डोर लॉक करेंगे और इधर वाला भी डोर हम लोग लॉक कर देंगे ताकि गाइस कोई भी अंदर जाके देख ना सके कि हमारे घर में इतने ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। चलो गाइस तो ये वाला दरवाजा हमने लॉक कर दिया है और उसी तरीके से इधर वाला भी दरवाजा हमने लॉक कर दिया है। अब गाइस कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अब चलते हैं गाइस इन पैसों को लेकर के ना एक बहुत बड़ा सा जो यार महल जैसा घर होता है ना जिसमें पूल होता है, ऐसा कुछ हम लोग घर चल के खरीदते हैं जिसमें भाई हेलीपैड वगैरह होगा, हेलीकॉप्टर भी मैं सोच रहा हूँ यार कि एक हम लोग खरीद लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर अपना प्राइवेट रहेगा, प्लेन वगैरह भी हो सकेगा तो हम लोग खरीदेंगे। हालांकि प्लेन को हम लोग घर पर नहीं रख पाएंगे लेकिन प्लेन हम लोग खरीद के एयरपोर्ट पर ही रखेंगे। तो ठीक है गाइस अभी सबसे पहले ना बहुत बड़ा सा घर खोजते हैं जो कि सेल पे होगा और उसे हम लोग खरीदने वाले हैं। 1 करोड़ मैंने अभी लिए हैं लेकिन देखते हैं अगर पैसा कम पड़ा तो हम लोग वापस जाके तुरंत फिर से ले आ देंगे पैसे। गाइस तो पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ एक लोकेशन पे। ये देखो यहाँ जो राइट साइड में एक घर है ना, काफी ज्यादा बड़ा सा घर है। चलो यहाँ से अंदर चलें, ये घर गाइस सेल पे है मुझे पता चला है। तो चलो यहाँ से अंदर चलते हैं और देख रहे हो यार यहीं पे कितना बड़ा सा गार्डन है। अब देखो यहाँ से ना शुरू हुआ कहाँ से आप लोग ध्यान रखना और खत्म कहाँ होगा आप लोग देखना। गाइस ये देखो अभी तक हम लोग घर के अंदर गाड़ी लेके आ जा रहे हैं। एंड ये देखो ओनर कौन है यार, यहाँ पे सबसे पहले पूछना होगा। ये एक यहाँ पे यार सुट्टा फिर है, शायद ये तो ओनर नहीं है। अबे यार पैर फिसल गया मेरा। चलो गाइस जरा चल के पूछें, भाई तुम हो गया ओनर? नहीं गाइस ये मना कर रहा है, ये है ओनर। हाँ तो सर बताइए ये वाला घर मुझे लेना है, जल्दी से दे दो। तो यार ये तो यार इस घर के लिए 3 करोड़ मांग रहे हैं, मतलब पूरे 3 CR। अभी तो मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना 1 अभी दे देते हैं
बाकी पैसे लेके आते हैं जल्दी से और इसे देते हैं। उसके बाद गाइस पूरे घर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ देखो पार्टी वगैरह करने के लिए एक अच्छा सा गार्डन भी है, इधर हम लोग कोई छोटा मोटा पार्टी भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल भी लगा हुआ है, वाटरफॉल नहीं वाटर फाउंटेन कहेंगे इसे। चलो गाइस और भी हम लोग देखते हैं इस घर को। और तो और गाइस बगल में यहाँ देख सकते हो स्कूल भी है भाई, बहुत सही लोकेशन पे है यार, ये घर हमें लेना चाहिए यार। क्या ही आज सुबह सुबह उठते यार हम लोग का तो एकदम जिंदगी बदल गया। मतलब भाई कहाँ हम उस छोटे से घर में रह रहे थे, इतने पैसे मिले और आज हम लोग आए हैं 1-3 करोड़ का घर खरीदने। ठीक है भाई, तो ऐसा करते हैं ना पैसे अभी निकाल के इसे देते हैं हम लोग। चलो गाइस तो ये पैसे हमने दे दिए और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस घर की तरफ। और यार ऐसी ही 2 पेटियाँ हमें ले आनी पड़ेगी, इतने ही पैसे मतलब 2 करोड़ और ले आने पड़ेंगे, 1 करोड़ मैंने दे दिया है। चलो अब जल्दी से चलें और गाइस ये अब घर हमारा होने वाला है बस या थोड़ी देर में। चलो गाइस तो पहुंच चुके हैं हम लोग घर पे, कार को जल्दी से करते हैं पार्क और पैसों को लेके जल्दी से निकलते हैं उधर अपने घर की तरफ। चलो यहाँ से चले अंदर, अब ये सब पैसे भी जल्दी जल्दी उठाने पड़ेंगे हमें भाई। मेरे ख्याल से ना 2 CR तक अगर हम लोग उठाएंगे तो यहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी इतने जितने पैसे बचेंगे ना उतने का हम लोग गाड़ियाँ और प्लेन्स वगैरह खरीदने वाले हैं। गाइस तो देखो इतने पैसे हो गए यार, 2 डब्बे हो गए पूरे तैयार, लेकिन यहाँ देखो पूरा यार खाली हो गया। अब ये नहीं अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे पैसे यार ख़त्म होते जा रहे हैं, यहाँ तक भाई पैसे खाली हो गए मेरे भाई, पूरा बालकनी भरा हुआ था लेकिन अब देखो इतना सा बस बचा है। अब इतने में गाइस हमें प्लेन लेना है, कार लेना है और एक हेलीकॉप्टर लेना है, 3 चीज़ें अभी हमें लेनी है। तो ठीक है गाइस अभी ना सबसे पहले ले चल के ये सब देते हैं उसे और घर को सबसे पहले फाइनल करते हैं, मतलब घर अपना मस्त हो जाए। अब गाइस इस घर में मुझे नहीं रहना पड़ेगा, अब उस कमाल के उतने बड़े से महल में हम लोग रहने वाले हैं। चलो अब जल्दी से इन पैसों को ना लोड करते हैं अपने कार पे। गाइस तो ये देख सकते हो हमने ये दोनों पेटियां रख ली हैं, अब निकलते हैं गाइस सीधे उस लोकेशन पे। फटाफट गाइस ये पैसे उन्हें देते हैं और फिर भाई जल्दी से हम लोग निकलेंगे अब एयरपोर्ट पे प्लेन खरीदने के लिए। वैसे यार हमने एक बार घर को पूरी तरीके से घूम के देखा नहीं, जैसे पिछली बार हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे। देखें गाइस कोई और एंट्री का गेट है या सिर्फ वही है, वैसे गाइस होना तो चाहिए यार, इतने बड़े बिल्डिंग में सिर्फ एक गेट होगा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ गाइस यहाँ देखो ये रहा सेकंड गेट, ऐसे गाइस और भी होना चाहिए यार, 2 गेट इधर हो गए भाई। इधर अगर मान लो स्कूल किसी को जाना है तुरंत इधर से ही निकलना है तो इधर भी एक गेट होना चाहिए। हाँ भाई यहाँ भी एक छोटा सा गेट है, बहुत सही यार, ये तो काफ़ी सही हो जाएगा। चलो गाइस तो इसी में ना फाइनल करते हैं, अब जल्दी से पैसे देते हैं और गाइस उसे निकालते हैं इस घर से। अब ये घर हमारा हो चुका है फाइनली, इधर भी एक गेट है गाइस, ये टोटल मेरे ख्याल से 4 गेट्स हो गए पूरे इस घर में, ये 5वां हो गया भाई, 5 हो गए और भी हैं क्या? नहीं यार टोटल 5 गेट्स हैं। ठीक है गाइस तो 5 गेट्स इस घर में काफ़ी हैं यार, मेरे ख्याल से इतने बड़े घर में 5 गेट एनफ है। और हमारे घर में देखो भाई एक ही एंट्री का गेट है, एक तो भाई सीधे रूम में जाता है भाई, सही में यार अपना घर तो काफ़ी छोटा सा है। और ये सुपर कार क्या फ्री में मिल रही है क्या इसके साथ? चलो जरा चल के पूछे तो इससे। हाँ भाई वहाँ पे सुपर कार मिलेगी क्या मुझे? और गाइस इससे बात करके पता चला कि यहाँ पे जो 3 गाड़ियाँ खड़ी है ना, 2 यहाँ पे और 1 उधर, जो भाई डायमंड की सुपर कार है, ये तीनों गाइस हमें मिलेंगी क्योंकि गाइस ये इस घर के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ठीक है भाई फिर तो बहुत बढ़िया है। चलो तो यार आपका ये 3 करोड़ मैंने दे दिया, अब निकलो यहाँ से आप। चलो गाइस वो बंदा तो जा चुका है यहाँ से, अपनी कार को मैं सोच रहा हूँ यहीं छोड़ लेते हैं और हम लोग चलते हैं इससे या फिर उससे भाई, वहाँ जो बाहर डायमंड की रखी है उस वाली से चलते हैं यार, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलो गाइस इस पे बैठें और जल्दी से अब चलते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी प्लेन खरीदते हैं हम लोग। चलते हैं गाइस इसे भगाएं, देखे गाइस कैसी ये कार है। और यार क्या बात है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है ये तो गाइस, पूरा कितना ज़्यादा साइन कर रही है सही में यार, देखो जरा चमक रही है, जब सन के रेज इस पे पड़ रहे हैं ना तो बहुत तेज़ी से साइन कर रही है। चलो अब यहाँ से तेज़ी से भगाते हैं हम लोग एयरपोर्ट के साइड। गाइस एयरपोर्ट तो हम लोग को जाना है यार, लेकिन पैसे चाहिए ना, उसके लिए सबसे पहले हम लोग घर पे आए क्योंकि यहाँ से पैसे उठाएंगे तब तो यार वहाँ पे प्लेन खरीदेंगे जाके। तो चलो गाइस सबसे पहले पैसे लेते हैं। अबे कैसा है यार पैर क्यों मेरा फिसल जा रहा है, बार बार हम लोग गिर जा रहे हैं। चलो जल्दी से अपना यहाँ पे एक और पेटी तैयार करते हैं, मेरे ख्याल से 1 CR में तो अपना काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है गाइस 1 CR जल्दी से यहाँ से उठाते हैं और चलते हैं गाइस फटाफट अब प्लेन लेने के लिए। गाइस तो हमने यहाँ पे जितने पैसे थे सबको उठा लिया, 4 करोड़ टोटल पैसे थे, मतलब देखो 4 डब्बे यहाँ पे तैयार है ना हमारे पास, 1 डब्बे में भाई 1 करोड़ थे। तो अब ना हम लोग मेरे ख्याल से 2 करोड़ लेके चलते हैं गाइस एयरपोर्ट पे, क्या पता गाइस कम ज़्यादा कुछ यार ज़रूरत पड़े तो हम लोग 2 डब्बे यार सीधे लेके चलते हैं कार पे रख के।
करके, अगर भाई वहाँ पे बच गया तो वापस ले आएंगे, नहीं बचा तो गाइस पूरे खर्चे हो जाएंगे। चलो गाइस, तो दोनों डब्बे रख दिए हमने इसके ऊपर, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं तुरंत एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे भाई मिल जाना चाहिए एयरप्लेन वगैरह, वैसे वहाँ सेल तो लगी रहती है अक्सर। चलो चल के जल्द इसे चेक करते हैं। ओके गाइस, तो एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, पर यहाँ प्लेन क्यों नहीं कहीं दिखाई दे रही है यार, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट यार, जरा और अंदर चलते हैं भाई। यहाँ प्लेन्स हैं तो, लेकिन ये सब भाई यूज़ हो रही हैं, ऐसे यार साथ में रखी रहती हैं अगर कहीं सेल होता रहता है। जरा और अंदर यहाँ पे चेक करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे भी नहीं है। एक मिनट, नहीं गाइस, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारी प्लेन्स गाइस एक साथ खड़ी है ना, यहाँ भी भाई कोई ना कोई होगा यार बेचने वाला। एंड ये देखो, यहाँ एक बंदा है। चलो तो यार, इसी में से ना कोई सेलेक्ट करके हम लोग जल्दी से बाय करते हैं, और उधर एक हैंगर मेरा है उसमें हम लोग ले चल के रखेंगे। चलो तो मेरे ख्याल से इसमें से सबसे बेस्ट गाइस ये येलो वाली लग रही है। हाँ गाइस, येलो वाली बहुत अच्छी लग रही है, और यहाँ भी देख सकते हो बाकी सारी तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी हैं। तो ठीक है गाइस, ये येलो वाली हम लोग बाय करते हैं, ले चल के उधर हैंगर में रखते हैं जल्दी से। तो गाइस, इसे लेने में तो यार टोटल 2 CR हमारे ख़त्म हो गए। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या ही कर सकते हैं, ले लिया है हमने। अब बैठते हैं गाइस इसमें और ले चलते हैं। ये यहाँ देखो खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं कि हमने भाई नई नई प्लेन खरीदी है। अबे यार, सिट उन्हें टच हो गया थोड़ा सा। ठीक है गाइस, चलो निकालते हैं यार वो। ठीक है, फिर से वापस से खड़े हो गए और अभी भी खुश हैं यार वो। कोई बात नहीं यार, होने दो। अब हम लोग निकलते हैं ना, इसे ले चल के जल्दी से वहाँ पे पार्क कर देते हैं। ये देखो गाइस, टेक ऑफ कुछ इस तरीके से ये हो सकती है। काफ़ी अच्छी प्लेन है यार, मज़ा आ रहा है इसे ड्राइव करने में। और उधर जो लास्ट वाला हैंगर है वो गाइस हम लोग का है, मतलब उसमें थोड़ा सा स्पेस हमारा भी है जिसमें भाई हम लोग पार्क कर सकते हैं अपनी प्लेन। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे आराम से लैंड करते हैं। अबे भाई ब्रेक लग जा यार। अरे यार, क्या आगे एक्सीडेंट हो जाएगा क्या? चलो गाइस, बड़ा बचा के हमने यहाँ पे इसे ले दिया है अंदर। अब यहाँ कॉर्नर में हम लोग इसे प्लेस कर देते हैं, एंड ये हमने इसे यहाँ एकदम कोने में पार्क कर दिया। चलो गाइस, अब इस पे से उतरें और चलते हैं गाइस अब सुपर कार लेने के लिए। पर एक मिनट यार, मुझे हेलीकॉप्टर भी तो लेना है। हाँ गाइस, हेलीकॉप्टर लेना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से यहीं पे मिल जाना चाहिए हमें। चलो चल के जरा बात करते हैं गाइस। तो ये वाली हेलीकॉप्टर ये दे रहे हैं, ये एक सिंगल पीस ही बची है। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार, ग्रीन और येलो कलर है इसका, ब्लैक कलर का कुछ कुछ सेट्स भी हैं। तो ठीक है गाइस, इसे ही ले लेते हैं। और ये वाली भाई 1 CR की है, 1 करोड़ देने पड़ेंगे। तो मैं यार अभी ले आता हूँ यार 1 करोड़, क्योंकि गाइस अभी लेके तो हम लोग आए नहीं है, 2 खाली लेके आए थे हम लोग पेटी, 2 अभी वहीं घर पे ही हैं। तो एक ही हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, बाकी गाइस दूसरा जो 1 CR बचेगा उसकी हम लोग एक सुपर कार लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे लेके चलते हैं ना, अभी अपना जो मैंसन है बहुत बड़ा सा उस पर लेके चलें, इसे रखते हैं, फिर आके इन्हें पेमेंट कर देंगे। हालांकि प्लेन भी हमने भाई यहीं पे छोड़ी हुई है, इन्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। गाइस, तो ये देख सकते हो यार, नीचे अपना ये घर आ चुका है यार। ऊपर से देखने में तो सच में कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना। अब लैंड हम लोग कहाँ करें यार, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हेलीपैड कहीं पर है नहीं। वहाँ जो सामने एक जगह दिखाई दे रहा है ना खाली सा, वहाँ पर चाहे तो हम लोग लैंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहीं पे हम लोग आराम से इसे लैंड करते हैं। एक तो गाइस, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ कि क्या ही बताऊँ। देखो गाइस, कितनी सॉफ्टली हमने लैंड किया है। और अब गाइस, हमारे घर में एक हेलीकॉप्टर भी हो चुकी है, कार हमारी वहाँ सामने खड़ी है। अबे सिट यार, वो वाली कार तो हमने वहीं पे छोड़ ली जो हमारी यार चमकने वाली कार थी। चलो कोई बात नहीं यार, हमारे पास पैसे ही इतने हैं ना कि हम लोग क्या ही करेंगे यार इतने पैसों का। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग चलते हैं ना एक सुपर कार लेते हैं सिमियन के शोरूम से, और उनका पेमेंट करना अभी बाकी है, तो वहाँ जाके हम लोग पेमेंट कर देंगे बाद में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अभी चलते हैं ना सुपर कार लेने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग घर गए थे, घर से भाई दोनों यार पेटियां उठा ली हैं पैसों की। अब आ गए हम लोग यार सिमियन के शोरूम पे, और कार्स देखो यार, कार्स तो काफी अच्छी अच्छी यार यहाँ पे। पर ये सबसे पहली वाली कार देखो यार, ये तो एकदम यार सेम टू सेम अपने हेलीकॉप्टर के कलर की है यार, इसी को ले लिया जाए यार, ये तो एकदम बेस्ट हो गया। मतलब ग्रीन येलो की वो अपनी हेलीकॉप्टर भी है, वही ग्रीन येलो भाई इस कार में भी है। ठीक है गाइस, यही कार हम लोग लेते हैं। भाई सिमियन, वो वाली कार कितने की है यार? गाइस ये बता रहा है यार कि ये कार 1 करोड़ 10 लाख की पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए ये 1 CR में दे सकता है। तो ठीक है गाइस,
ये वाली कार फाइनल करते हैं, जल्दी से इसे पैसे उतार के देते हैं हम लोग। एंड गाइज इसी तरीके से अब ये कार भी हमारी हो चुकी है, और डोर देखा यार तुमने कितना ज्यादा मस्त तरीके से ओपन हुई, और फाइनली हमने इसका मतलब कि जितने पैसे थे हमारे घर पे सब कुछ भाई उड़ा दिए, जितने पैसे थे सब कुछ का भाई हमने इतने अच्छे अच्छे चीज खरीदे की क्या ही बताया जाए। कार की स्पीड देख लो भाई कितनी मस्त है, लुक देख लो कितना अच्छा है भाई, सब कुछ एकदम बेस्ट है इसमें। अभी गाइज वहाँ एक सीआर रखा हुआ है, उसे ले चल के हम लोग देते हैं एयरपोर्ट पे। एंड आप लोग गाइज इस वीडियो पे अब लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो। अब गाइज हम लोग मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।